राजधानी दिल्ली में कोरोना अपने पैर पसार चुका है। जहां एक तरफ सड़कों पर मरीज इलाज ना मिल पाने से दम तोड़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार ने दिल्ली के आलीशान 5 सितारा अशोका होटल में कोविड के 100 बेड बनाने का फैसला किया है। दिल्ली में कोविड की लगातार विकराल होती स्थिति और घटती सुविधाओं के बीच दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली हाईकोर्ट के जजेस, निचली अदालतों के जजेस, न्यायिक अधिकारियों और उनके परिजनों के लिए इसी 5 सितारा अशोका होटल में 100 कमरे बुक कराकर एक आइसोलेशन सेंटर बनाया गया है। दिल्ली सरकार ने इसे प्राइमस हॉस्पिटल के विशेषज्ञ डॉक्टरों और अधिकारियों के साथ मिलकर इसे स्थापित किया है, जिसमें अगले 2-3 दिन लग जाएंगे यहां सारी सुविधाएं उपलब्ध कराने में। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ये 100 बेड हाई कोर्ट के कहने पर कोर्ट के जजों और वकीलों के लिए बनाए जाने वाले थे। कोरोना की इस खतरनाक लहर में जहां मरीज बिना बेड के सड़कों पर मर रहे हैं, ऐसे में केजरीवाल सरकार के इस फैसले की काफी किरकिरी हो रही थी। लेकिन इस मामले को तूल पकड़ता देख अब हाईकोर्ट ने कुछ ऐसा कह दिया है जिसने दिल्ली सरकार के इस फैसले पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। बता दें कि हाईकोर्ट ने अशोका होटल में बनने वाले 100 बेड को लेकर सफाई देते हुए कहा कि हमने दिल्ली सरकार से ऐसी कोई मांग नहीं की। जो भी इस मामले में हाईकोर्ट का नाम ले रहे हैं उसको सुओमोटो किया जाएगा। इतना ही नहीं, हाईकोर्ट ने ये भी कहा कि जब दिल्ली में इतने लोग इलाज के बिना मर रहे हैं, ऐसे में कोई भी जज ऐसी सुविधा के बारे में सोच भी नहीं सकता। वहीं दिल्ली सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि आपके पास ऑक्सीजन नहीं है और आप हमारे लिए 100 बेड बना रहे हैं। तो वहीं इस मामले पर केजरीवाल सरकार को घेरते हुए बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने दिल्ली में आम लोगों के लिए बेड की व्यवस्था करने की नसीहत दे डाली। साथ ही मैं ये कहना चाहता हूँ केजरीवाल जी से, दिल्ली के मुख्यमंत्री जी से, कि अगर आपके पास इस प्रकार से होटल बुक करना, 5 स्टार बुक करने का पैसा है, तो हमारे डॉक्टरों के लिए कीजिए ना, उनके परिवारों के लिए कीजिए, नर्सों के परिवारों के लिए कीजिए, स्वास्थ्य कर्मी के परिवारों के लिए कीजिए, पुलिस के परिवारों के लिए कीजिए। वो अपनी जान दांव पे लगा के वहां पे कोरोना से लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके लिए क्यों नहीं आप ये होटल बुक कर रहे हैं? उनका परिवार, पूरे परिवार पे खतरा होता है जब एक डॉक्टर इलाज करने के लिए अस्पताल जाता है और शाम को घर वापस आता है। उनके लिए 5 सितारा होटल बुक कीजिए, उनके लिए अलग से सुविधाएं बुक कीजिए, उसके बाद आप जुडिशरी के लिए भी कीजिए। लेकिन आप डॉक्टरों को बुला बैठे, नर्सों को बुला बैठे, पुलिस वालों को बुला बैठे, कोरोना वॉरियर्स को बुला बैठे, और बस केवल जहां पे आपके खिलाफ सुनवाई चल रही है वहां पे आपका एक 5 सितारा पैकेज बहुत सारे सवाल खड़े करता है। सिर्फ कपिल मिश्रा ही नहीं बल्कि दिल्ली मेडिकल काउंसिल के अध्यक्ष डॉक्टर अरुण गुप्ता ने राजधानी में अपनी जान दांव पर लगाकर मरीजों का इलाज कर रहे डॉक्टर्स के लिए भी बेहतर सुविधा की मांग कर दी है। पिछले कई दिनों से एक काफी परेशानी की बात हो रही है। देखा जा रहा है कि डॉक्टर्स जो हमारे सोल्जर्स हैं इस लड़ाई में कोरोना के खिलाफ, अगर वो बीमार पड़ जाते हैं इस लड़ाई को लड़ते लड़ते, तो उनको भी बेड्स नहीं मिल रहे हैं, उनके परिवारों को भी बेड्स नहीं मिल रहे हैं। ये सिचुएशन बहुत ही खतरनाक है। अगर हमारा सिपाही घायल हो जाएगा और उसको ही उसका इलाज ही नहीं होगा, तो इस लड़ाई को हम कैसे जीतेंगे? मेरी गुजारिश है केंद्र सरकार से, दिल्ली सरकार से और सारे अथॉरिटीज से कि कुछ बेड्स को मार्क किया जाए, कुछ अस्पतालों को मार्क किया जाए जहां पे डॉक्टर्स को जरूर इलाज किया जाए। हमें डॉक्टर्स का मोरल भी बढ़ाना है, उनको हमें बचाना भी है, क्योंकि ये लड़ाई लंबी है। इस लड़ाई में जब तक आपका सोल्जर आपके स्वस्थ नहीं रहेंगे, फाइटिंग फिट नहीं रहेंगे, आप इस लड़ाई को नहीं जीत सकते। कृपया करके जल्दी से जल्दी इस फैसिलिटी को क्रिएट किया जाए। आपको बता दें कि बीते 24 घंटे में दिल्ली में 380 लोगों ने कोरोना के चलते अपनी जान गंवा दी। ऐसे में सरकार 5 स्टार होटल में बेड बनवा रही है और किसके लिए बनवा रही है नहीं पता। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।